हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल लोग हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से बहुत परेशान रहते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि हाई ब्लड प्रेशर का होना आम बात हो गई है। इसलिए घबराएं नहीं, इसमें केवल सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके लिए डॉक्टर को दिखाते रहें और नियमित रूप से दवाएं चलाते रहें, जिससे आपका हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। और इसके अलावा हम आपके लिए लेकर कुछ घरेलू नुस्खे आए हुए हैं, जिनका असरकारक उपाय है, उनका प्रयोग करके आप अपने उच्च रक्तचाप को नॉर्मल रख सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर का मुख्य कारण है भोजन में नमक का अधिक खाना, गलत खान पान, समय से भोजन ना करना और बहुत से अधिक टेंशन लेना। इसके अलावा दोस्तों, और भी बहुत से अधिक कारण हैं, जैसे धूम्रपान करना, शराब पीना, अधिक मोटापा। अधिक मोटापा भी शरीर में ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा नॉर्मल भोजन करें और अधिक मोटापे से बचे रहें। तो ये सब हाई ब्लड प्रेशर के कारण हैं। इन नुस्खों का प्रयोग करके जब आप अपना बीपी चेक करोगे तो आप खुद ही इसका असर देख लोगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे SPL हेल्थ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रामेलन और मैं आपके SPL हेल्थ चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, चलिए फटाफट जान लेते हैं कि वो कौन है असरकारक घरेलू उपाय जो उच्च रक्तचाप को ठीक करने में हमारी मदद करते हैं। नंबर पहला है खसखस और तरबूज के बीज की गिरी को पीसकर बराबर मात्रा में मिलाकर रख लें। सुबह और शाम को एक एक चम्मच खाली पेट खाएं। इससे बढ़ा हुआ रक्तचाप धीमा हो जाता है और रात को नींद भी अच्छी आती है। दूसरा उपाय है एक चम्मच मेथी दाना के चूर्ण की फकी सुबह शाम खाली पेट 2 सप्ताह तक लेने से उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है। तीसरा है मुनक्का में लहसुन की कली रखकर खाना भी लाभदायक होता है। चौथा नंबर है दोस्तों, सवेरे खाली पेट दाल का पका हुआ पपीता 30 दिन तक खाने से और इसे खाने के बाद 2 घंटे तक कुछ भी ना खाएं पिएं। इससे रक्तचाप समान हो जाता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। पांचवा नंबर है दालचीनी की लकड़ी को मिक्सी में अच्छी तरह से पीसकर उसका पाउडर बना लें और 1 शीशे में भरकर रख लें और सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ उसको लें। इससे बहुत लाभ होता है। उपाय नंबर छठवां है काली मिर्च। जी दोस्तों, काली मिर्च का पाउडर बनाकर 1 शीशी में भर लें और 1/2 गिलास पानी में 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर मिला करके हर 2-2 घंटे बाद पीते रहें। इससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। सातवां नंबर है पालक और गाजर का जूस। जी दोस्तों, पालक और गाजर का जूस बढ़े हुए उच्च रक्तचाप को नॉर्मल करने में हमारी बहुत मदद करता है और हर प्रत्येक सब्जियों का रस उच्च रक्तचाप में बहुत ही लाभदायक है। आठवां है ऊपर से नमक मिलाकर खाने से उच्च रक्तचाप की समस्या बढ़ जाती है। इससे दोस्तों, अपने खाने में ऊपर से नमक ना मिलाएं। जितना ही नमक हो आप अपनी टेस्ट के अनुसार उतना ही खाएं। नौवां नंबर है खाने में गेहूं और चने का आटा
प्रयोग करें तो दोस्तों इससे बहुत ही लाभ मिलता है और एक ही सप्ताह में ये रोग ठीक हो जाता है। 10वां नंबर, रात को किसी तांबे के लोटे या गिलास में पानी भरकर रख दें और सुबह उठकर उसे पी लें, इससे उच्च रक्तचाप में बहुत आराम मिलता है। 11वां नंबर है, 4 तुलसी की पत्तियां, 2 नीम की पत्तियां 2 चम्मच पानी के साथ पीसकर खाली पेट लेते रहने से उच्च रक्तचाप बिल्कुल सामान्य हो जाता है। तो दोस्तों ये रहे घरेलू असरकारक उपाय। अधिक असरकारक उपाय जिनका प्रयोग करके आप बढ़े हुए रक्तचाप को नॉर्मल कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो लाइक और शेयर करें जिससे ये जानकारी अगले व्यक्ति तक भी पहुँच सके। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।